हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए पांच तरह की समर स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ, यानी कि आइसक्रीम की रेसिपी। तो सबसे पहली रेसिपी जो है ना, वो है बनाना आइसक्रीम रेसिपी। तो उसके लिए यहाँ हमने 5-6 केले लिए हैं और इनको छील करके कट कर लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना है। उसके बाद हम इसको क्लीनिंग रेप से कवर कर देंगे। इनको आप किसी भी डिब्बे में रख सकते हैं और इनको 4 घंटे के लिए हम फ्रीज करेंगे। जब तक हम यहाँ पर लेंगे कढ़ाई में 2 कप दूध, इसको ग्राम में मापे तो ये आधा लीटर है। यहाँ पर थोड़ी सी मलाई डालेंगे, 2 लीटर दूध से जितनी मलाई निकलती ना उतनी मलाई हमें यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद 4 टेबल स्पून जो है ना हमें मिल्क पाउडर लेना है। आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर यहाँ पर ले सकते हैं। इनको बढ़िया से मिक्स करेंगे। 1 टेबल स्पून भरकर हम लेंगे चावल का आटा, आप चाहे तो यहाँ पर कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। इसको भी बढ़िया से मिक्स करना है। उसके बाद लगातार चलाते हुए इसको पकाना है जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता। उससे पहले हम यहाँ पर डाल देंगे चीनी। तो यहाँ पर ना 1/3 कप चीनी डाल रहे हैं, आप अपने मिठास के अनुसार यहाँ पर चीनी को एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 3-4 मिनट पकाने के बाद ये घोल गाढ़ा हो गया। चावल के आटे का बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता है और मैं तो कहूँगी कि इतना टेस्टी बनता है कि अगर आपने एक बार बना लिया ना, तो आप हमेशा इसी प्रोसेस से आइसक्रीम बनाना पसंद करेंगे। तो देखिए ये बढ़िया से गाढ़ा हो गया, हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया, एक बाउल में निकाल लिया। अब इसको ठंडा करेंगे। तो ठंडे पानी में रख के 15 मिनट के लिए ठंडा करेंगे। उसके बाद हम इसको 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे ताकि ये बढ़िया से ठंडा हो जाए। यहाँ पर केले और दूध का पेस्ट दोनों ही तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर हम ना एक मिक्सर जार लेंगे। तो देखिए केले ना अच्छे से कड़क हो गए। अगर हम इस तरह से फ्रीज करके केले को ग्राइंड करते ना, तो बिल्कुल भी इसमें जो है ना छोटे छोटे टुकड़े नहीं रहते हैं। अगर आप डायरेक्ट केलों को जो है ना ग्राइंड करेंगे तो उसमें टुकड़े रह जाते हैं, तो आपको छानना पड़ेगा। तो जो बड़े बड़े सेब जो होते हैं ना, इसी प्रोसेस से बनाना को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए, एकदम फाइन पेस्ट बन के इसका तैयार हो गया। अब इसी में हम डाल देंगे थोड़ी सी दूध की क्रीम। तो यहाँ पर अगर आप इसको ग्राम में मापे तो ये 50-60 ग्राम के समथिंग है। जो घर पे मलाई निकलती है ना फ्रेश मलाई, ये वही है। आप चाहें तो अमूल फ्रेश क्रीम ले सकते हैं। और यहाँ पर ये दूध का पेस्ट जो बना के रखा, इसको भी हम मिक्सर जार में डालेंगे। और बस इन सबको जो है ना हमें अब बढ़िया से ग्राइंड कर लेना है। इस तरह से अगर आप बनाना आइसक्रीम बनाएंगे ना, तो आप विश्वास नहीं करेंगे इतनी ज़्यादा टेस्टी ये बनके तैयार होती है। हमारे यहाँ तो बनते ये ख़त्म हो गई थी और फिर से बोले बच्चे और हस्बैंड जी कि इसको दोबारा ज़रूर बनाना। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ये रेसिपी है। तो अब इसको ना मिक्सिंग बाउल में डाल करके और कवर कर देंगे। अगर आपके पास कोई भी एयर टाइट कंटेनर है तो आप उसमें भी इसको सेट कर सकते हैं। 4-5 घंटे या फिर पूरी रात के लिए इसको फ्रीजर में रखना है। तो देखिए पूरी रात हमने रख दिया था, उसके बाद ये बढ़िया से सेट हो गई है और एकदम क्रीमी क्रीमी स्वादिष्ट हेल्दी ये रेसिपी हमारी तैयार हुई है। एकदम क्रीमी है और आप कहीं भी मार्केट में घूम लोगे ना, तो ये वाला स्वाद आपको नहीं मिलेगा। किसी भी दुकान पर ये वाली आइसक्रीम आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि इसको हमने घर पर बनाया है प्यार के साथ। तो आप इसको निकाल लेंगे और इसको थोड़ा सा हम ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश करेंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। तो देखिए ये सुपर सॉफ्ट आइसक्रीम बनके तैयार हो गई है। आप इसको ना 15 से 20 दिन के लिए फ्रीजर में रख के एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। पहली बार तो ना ये बचने वाली ही नहीं है अगर आपने एक बार इसे बना लिया तो। दूसरी रेसिपी जो है वो है मैंगो आइसक्रीम। तो इसको मैं 2 तरह से बनाना बताऊंगी, एक जो हमारे घर पे सामान होता उससे और एक एकदम मार्केट जैसी। तो यहाँ पर ना हम लेंगे 1 किलो आम। आप इनकी क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आम को छील लेंगे और इसका ना गूदा हमें चाहिए, यानी कि इसका जो है ना पल्प निकाल लेंगे।
तो इस तरह से क्यूब में हम इसको कट करेंगे और तीनों आम को ऐसे ही कट करके इसका जो इसका पल्प जो ना सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पल्प हमें सारा मिल चुका है, अब इसको ना मिक्सर जार में डालेंगे और पीस लेंगे। तो देखिए एक बार ग्राइंड करा तो ये नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा जो ना ठंडा पानी डालेंगे और इसको फिर से ना एकदम फाइन अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। देखिए एक बढ़िया सा ये ना आम की प्यूरी बन करके तैयार हो गई है। इसको मिक्सिंग बाउल में निकालेंगे, अगर इसमें कुछ छोटे बड़े टुकड़े रह गए हों तो आप चिंता ना करें, उनको भी हम आगे सेपरेट कर लेंगे। तो इसको ना कढ़ाई में डाल देंगे और अब इसमें डाल देंगे हम चीनी। तो यहाँ फिर से 50 से 60 ग्राम चीनी का ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, अब कप से नापे तो 1/3 कप है। अब इसको लगातार चलाते हुए हमें पकाना है, इसको छोड़ना नहीं है, चलाते हुए जाना है। 7-8 मिनट लगता है और ये बढ़िया से पक जाएगा। देखिए आम का सारा पानी जो ना सोक हो गया और ये बढ़िया से पक गया, कलर चेंज हो गया। अब इसको जो ना हमें ठंडा करना है, तो हमें ना फटाफट से इसको ठंडा करना, इसलिए हम क्या करेंगे इसको ना एक थाली में निकाल लेंगे, 10-15 मिनट के लिए प्लेटफॉर्म पे छोड़ेंगे ऐसे ही ठंडा होने के लिए, और उसके बाद इसको हम फ्रीज में रख देंगे। कोई सी भी चीज को आप कभी भी ना डायरेक्ट फ्रीजर में ना रखें, फ्रीज में ना रखें गरम गरम में, नहीं तो उसका जो ना स्वाद चेंज हो जाता है। जब तक हमारा मैंगो वेस्ट तैयार हो रहा है तब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पर 250 ग्राम व्हिपिंग क्रीम लीजिए, या आपको केक की सोप जो होती है ना उस पर केक बनाने का सामान मिलता है, आइसक्रीम बनाने का मिलता है, वहाँ पर मिल जाएगी। ज़्यादा महंगी भी नहीं आती है, 150 रुपये की पूरा 1 किलो का डिब्बा आता है, और आप इसको ना साल भर तक फ्रीजर में रख के या फ्रीज में रख के यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हमने अच्छे से इलेक्ट्रिक वीटर की हेल्प से अच्छे से फेंट लिया है, जब तक कि इसकी क्वांटिटी 3 गुना नहीं हो जाती। और ये पल्प जो है ना ये भी ठंडा हो गया है, और अब इसको ना हमें छानना है, क्योंकि इसमें जो ना कुछ टुकड़े हैं आम के और हमें ना एकदम स्मूथ पेस्ट चाहिए। तो देखिए एकदम से प्यारा प्यारा सा मैंगो का कितना बढ़िया सा ना प्यूरी बनके तैयार हो रहा है। तो हम थोड़ा सा तो थाली में निकाल लेंगे, क्योंकि हमें ना सेपरेट प्यूरी की भी जरूरत पड़ेगी आगे चलकर। तो सभी को अच्छे से छान लेंगे, देखिए एकदम स्मूथ ये प्यूरी बनके तैयार हो गई। और पता अगर आप इसको थाली में सेट कर देंगे ना, ये आम पापड़ बनके तैयार हो जाता है। तो आधी प्यूरी जो है ना हम डाल देंगे व्हिपिंग क्रीम में, अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको फिर से बीट कर लेंगे 2-3 मिनट के लिए, और देखिए इसका टेक्सचर कितना बढ़िया स्मूथ आ गया है। अगर आपने इस तरह से घर पर बना लिया ना, तो कभी भी जिंदगी में मार्केट की आइसक्रीम नहीं खाएंगे। इतना सिंपल तरीका है, जितना आपको ये लगता है ना, बस आपको सिर्फ व्हिपिंग क्रीम चाहिए। और हाँ एक बात और आपके लिए बहुत स्पेशल बात है, ये व्हिप करी हुई क्रीम भी वहीं मिल जाती, वो कोन बनाकर देते हैं, तो आप डायरेक्ट बस इसको मिक्स करिए और आपका काम हो जाएगा। आपको बीट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, किसी भी केक की शॉप पर आप जाके बोलेंगे तो वो आपको बीट करी हुई क्रीम भी दे देते हैं, मतलब व्हिपिंग क्रीम एकदम तैयार दे देते हैं। आप चाहे तो उससे केक बना सकते हैं या फिर आइसक्रीम बना सकते हैं, किसी की भी गार्निशिंग आप उससे कर सकते हैं। और हाँ मैं एक बहुत बढ़िया सा केक का वीडियो भी लेकर आने वाली हूँ, क्योंकि ना बहुत जल्दी जो है ना कुछ स्पेशल आने वाला है इसलिए। तो यहाँ पर देखिए जो बचा हुआ पल्प था ना, उससे एक बढ़िया सी कोटिंग कर दी, ऊपर एक लेयरिंग कर दिए, और एक स्टिक लेंगे और इस तरह से घुमा देंगे, तो इसमें से ना एक हल्की सी डिज़ाइन उभर कर आ जाती है। प्यारी सी डिज़ाइन बनाने के लिए हमने ये करा, नहीं तो ये ज़रूरत नहीं है। इसको रेप करके 5-6 घंटे या फिर पूरी रात के लिए फ्रीज़र में रख देंगे, उसके बाद हम इसको निकालेंगे तो हमारी आइसक्रीम जो है ना तैयार हो जाएगी। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत हेल्दी लगती है। आप चाहें तो ना बस व्हिपिंग क्रीम को बढ़िया से व्हिप कर लीजिए, उसमें कोई सा भी फ्रूट्स का पल्प डालकर आइसक्रीम बना सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास आइसक्रीम निकालने का आइसक्रीम स्कूपर नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, इस तरह से गोल वाली एक स्पून लूंगी और उसको ना पानी में डिप करना है, तो उससे क्या होगा कि आइसक्रीम जो ना उसमें चिपकेगी नहीं। एक बार निकालने के बाद फिर से डिप करना है और फिर से आपको निकाल लेना है, तो जो हमने ऊपर कोटिंग करी थी ना, इससे ना एक बढ़िया सी फ्लोवर वाली डिजाइन बन करके तैयार होती है। और इसी आइसक्रीम को अब हम घर पे रखे हुए सामान से, यानी कि विदाउट व्हिपिंग क्रीम से भी बनाने वाले हैं। तो देखिए ये बन के तैयार हो गई, आप इसको कई दिन तक फ्रीजर में रख के एंजॉय कर सकते हैं। एकदम क्रीमी और मार्केट
स्टाइल बनती है। बच्चे तो हमेशा बोलते हैं, मम्मा आप मैंगो जूस मत बनाओ, मैंगो की आइसक्रीम बना दो, बहुत टेस्टी लगती है। आई होप आपको ये रेसिपी भी अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना ना भूले। तो फिर से हम दूसरी रेसिपी के साथ यहाँ पर हाजिर है। तो उसके लिए हमने लिए हैं यहाँ पर 2 आम, 1 किलो आम थे, उसमें से ना 1 आम हमने यूज़ कर लिया। तो आप इनकी क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग मेजर कर सकते हैं। बस इनको भी हमें धो करके लेना है, इसका पानी सुखा देना है, उसके बाद इनको जो है ना छील लेना है, और इसका भी हमें पल्प निकाल लेना है, यानी कि हमें गूदा चाहिए। गुठली जो है ना बच्चों को खाने के लिए दे दीजिए अगर आपके बच्चे पसंद करते हैं तो। तो देखिए हमें ना दोनों ही आम का जो है ना गुठली निकाल लेना है। और देखिए मेरा बॉडीगार्ड बेटा है, बिल्कुल यहीं बैठा रहता है सभी वीडियोस में। मैं आपको कुछ वीडियोस में दिखाती हूँ, कुछ में नहीं दिखाती हूँ। सारे ही पल्प को जो है ना कढ़ाई में डालना है और गैस को चालू करना है, और इसमें डाल देंगे हम चीनी। तो यहाँ पर जो है ना हम 1.5 कप चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप ऐसे मापे तो ये ना 300 ग्राम है, क्योंकि आम जो है ना बहुत ज्यादा मीठे नहीं थे, हमने टेस्ट करके देखा, इसलिए आप चीनी ना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले। तो आम के साथ चीनी को थोड़ी देर मिक्स करा, उसके बाद 7-8 मिनट के लिए हमने इसको ना ढककर पका लिया। तो अब यहाँ पर आप ना चेक कर सकते हैं कि आम हमारे सॉफ्ट हुए कि नहीं हुए हैं। तो आम को बस सॉफ्ट करना है। तो देखिए यहाँ आम अच्छे से सॉफ्ट हो गए। इसको गैस को बंद करेंगे और इसको एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। अब इसको जो है ना हमें ठंडा करना है। ठंडा करने के लिए हम एक बर्तन में ठंडा पानी लेंगे, 15 मिनट के लिए इस तरह से चलाते हुए ठंडा करेंगे, और उसके बाद 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। डायरेक्ट फ्रीजर में इसको नहीं रखे। यहाँ पर हम लेंगे दूध, तो 1 कप दूध लेना है, कोई सा भी आप दूध ले सकते हैं। और इसमें जो है ना आप डालेंगे मिल्क पाउडर। तो यहाँ 2 बड़े चम्मच भरकर मिल्क पाउडर डाल रहे हैं। यहाँ पर आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। अब इसको बढ़िया से मिक्स करेंगे। और हाँ, अभी गैस को जो है ना चालू नहीं करना, गैस यहाँ पर बंद है। मिक्स करने के बाद हमने गैस को चालू करा, और अब इसको हमें जो है ना पका लेना है। गाढ़ा होने तक इसको पकाना है। और देखिए इसका जो है ना एक मावा सा बन के तैयार हो गया है। इसको बनाने में बहुत कम समय लगता है, और इसको रख देंगे अब ठंडा होने के लिए। जैसे ये ठंडा होएगा ना, तो ये ना बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। आप किसी भी रेसिपी में इसे यूज कर सकते हैं। तो मावा और आम का पल्प दोनों ही ठंडे हो गए हैं, और देखिए मावा कितना ज्यादा गाढ़ा हो गया है। मावे को और पल्प को हम डाल देंगे मिक्सर जार में। तो इस तरह से ना आप बहुत जल्दी इंस्टेंट मिल्क पाउडर वाला मावा कभी भी बना सकते हैं। अगर आपके पास आसपास कोई मावे की शॉप है तो वहां से ले आइए, नहीं तो घर में एकदम ताजा ताजा आप बना सकते हैं। इन सब को बढ़िया से हमने ना ग्राइंड कर लिया, और 1 कप यहाँ पर हम डालेंगे फ्रेश मलाई, जो दूध से निकलती ना वही क्रीम लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर अमूल की फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। और इन सबको फिर से ना एक बार बढ़िया से चला लेंगे। तो जो घर के सामान से बनती ना आइसक्रीम, इसमें फैट काफी ज्यादा होता है, और जो हमने पहले व्हिपिंग क्रीम वाली बनाई है ना उसमें फैट नहीं होता है, उसका सारा फैट जो है ना निकाल लिया जाता है पहले से ही। और यहाँ देखिए हमने क्रीम जो डाली ना मलाई, उसमें कितना सारा घी होगा आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसलिए टेस्टी ये बहुत ज्यादा लगती है, पर हेल्दी वो रहती है। इसको छान लिया है, और एक स्मूथ प्यूरी पेस्ट बन गया। आइसक्रीम बेस हमारा तैयार हो गया, ऊपर से सेट करेंगे और गार्निशिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं बादाम और काजू की कतरन से इसको गार्निश कर रही हूँ। आप अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स गार्निश कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी इसको छोड़ सकते हैं, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। कुछ बच्चों को ना ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं होते, अगर आपके घर में भी बच्चे को ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर दीजिए। और जब हम सर्व करते हैं ना तो आप उसमें ड्राई फ्रूट्स आगे डाल के गार्निशिंग कर सकते हैं। रेप करके 7 से 8 घंटे या पूरी रात के लिए फ्रीज में रख दिया था। उसके बाद देखिए आइसक्रीम जो है ना बढ़िया से सेट हो गई है। तो आपको दोनों मैंगो आइसक्रीम में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा लगा है मुझे कमेंट करके बताना ना भूले। और देखिए इसका टेक्सचर कितनी ज़्यादा स्मूथ, सॉफ्ट और स्वादिष्ट हेल्दी ये बन करके तैयार हुई है। अब आप बोलेंगे कि आप इसको हेल्दी बोल रहे हैं, इतनी सारी तो क्रीम है, पर हेल्दी इसलिए बोल रहे हैं कि घर के सामान से ये बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सी ये लग रही है, और खाने में भी उससे भी ज़्यादा ये स्वादिष्ट है। आई होप आपको ये रेसिपी भी अच्छी लगी होगी।
तो यहाँ पर जो दूसरी हमारी आइसक्रीम है उसके लिए हमने लिया है ये एक इंस्टेंट जो आता है ना आइसक्रीम मिक्स, तो यहाँ पर हमने ना पाइन एप्पल फ्लेवर का लिया है। ये 50 और 55 रुपए में मिल जाता है। इसमें 2 पैकेट निकलते हैं और दोनों को आपको मिक्स करना रहता है। आपको कैसे बनानी इसके ऊपर जो है ना लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पर हम ना इसमें 1/2 लीटर दूध डालेंगे और इसको बढ़िया से मिक्स करेंगे। इसके ऊपर लिखा हुआ था कि आपको इसको 500 ml दूध में मिक्स करना है। तो यहाँ पर जो है ना हमने इसमें 2 गिलास दूध डाल देना है और इसको मिक्स करना है। इसमें बिल्कुल भी क्रिस्टल्स नहीं होने चाहिए। मिक्स करने के बाद इसको रख देंगे हम गैस पे और यहाँ पर ये मीठा तो रहता है पर हम इसमें थोड़ी सी चीनी और भी डाल देंगे क्योंकि आगे हम इसमें कुछ मिलाने वाले हैं, क्रीम वगैरह या फिर आप इसमें ना जो दूध डालते हैं उसके अकॉर्डिंग भी चीनी डाल सकते हैं। इसको 5 मिनट के लिए हमें पकाना है और जैसे ही इतना गाढ़ा हो जाए इसको उतारना है, एक बाउल में ट्रांसफर कर लेना है। आपको ये नहीं सोचना है कि इसको गाढ़ा करना बहुत ज़्यादा, ये ना इसमें GMS MS पाउडर रहता है तो जब आप इसको वीट करोगे ना तो इसकी क्वांटिटी ट्रिपल हो जाएगी। तो फिर से हम यहाँ पर लेंगे ये व्हिपिंग क्रीम और इसकी क्वांटिटी जो है ना हम 250 ग्राम के समथिंग रख रहे हैं और इसको 4-5 मिनट के लिए फिर से हमें वीट करना है। क्रीम जो है ना एकदम ठंडी ठंडी होना चाहिए और इसको ना लगातार चलाते हुए वीट करना। देखिए इस तरह का ये एक हल्का सा पिक नहीं बनने लगता है। अब इसमें डाल देंगे ये ठंडा सा हमारा आइसक्रीम बेस और अभी देखिए आइसक्रीम की क्वांटिटी कितनी हो जाती है लाइव दिखाऊंगी। तो अभी काफी कम थी और इसको डालने के बाद जब हमने बीट करा तो ये पूरा जो बाउल है ना एकदम फुल हो गया। 50 रुपए के जो वो पाउडर निकला था ना उसमें इतना सारा वो रहता है आइसक्रीम कि कोई बिलीव ही नहीं कर सकता। अगर आप उसको ऐसे ही बनाओगे ना तो वो 2 कटोरी का समथिंग बनेगा अगर आप उसको वीट करके बनाओगे। इसको ना आपको व्हिपिंग क्रीम डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, बस उसको पेस्ट को ही आप व्हिप कर दोगे ना तो आपकी आइसक्रीम ढेर सारी बन करके तैयार हो जाएगी, यानी कि उसका 3 गुना। अब इसको भी हम सेम तरीके से रेप करके मतलब अच्छे से कवर करके और 5-6 घंटे के लिए फ्रीज में रखेंगे या पूरी रात के लिए। और उसके बाद ये देखिए एक बाउल भर के हमारी ये आइसक्रीम बनके तैयार हो गई है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ और पाइन एप्पल फ्लेवर की हमारी आइसक्रीम तैयार हुई है। आप इसको अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट से जो है ना गार्निश कर सकते हैं और कई दिन तक आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी भी पसंद आई होगी। तो यहाँ पर जो लास्ट रेसिपी है वो है पार्ले जी बिस्किट से बनाएंगे। तो 5 पैकेट पार्ले जी लिए थे 5-5 रुपए वाले, इनको सबको बढ़िया से तोड़ लिया है और अब इसमें डाल देंगे हम दूध। तो टोटल जो है ना हमें 3 गिलास दूध डालना है। अगर आप ग्राम में मापे तो ये 750 ग्राम है क्योंकि 1 गिलास जो ना 250 ग्राम का है। गाढ़ा होने तक पकाना है और इसको लगातार चलाते हुए पकाना, चिपकने नहीं देना है। तो देखिए गाढ़ा हो गया, उसके बाद इसको जो ना मिक्सिंग बाउल में निकालेंगे और इसको भी जो है ना हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद इसको मिक्सर जार में डाल देंगे और इसको भी हमें बढ़िया से ग्राइंड करना है। उससे पहले हम डाल देंगे इसमें मिल्क पाउडर, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर यहाँ पर ले सकते हैं। थोड़ा सा और ज़्यादा चॉकलेटी बने उसके लिए यहाँ पर 4 टेबल स्पून ही हम ना चॉकलेट पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें 2 डेरी मिल्क भी डाल सकते हैं। इन सबको बढ़िया से स्मूथ ग्राइंड कर लेंगे और साथ में ही क्लीनिंग भी करते जाएंगे ताकि हमारा किचन जो ना मैसी मैसी नहीं हो। और इतना स्मूथ ये आइसक्रीम का बेस बना है कि कोई कह ही नहीं सकता कि ये पार्ले जी बिस्किट से बना हुआ है। यहाँ पर जो है ना हम इसमें डाल देंगे चीनी, तो आप पहले एक बार चेक कर ले मिठास के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर चीनी लेनी है। और अब इस तरह के जो हम लाते ना आइसक्रीम उसके ग्लास या डिब्बिया होती है उसमें हमें इसको सेट करना है। तो घर में जो भी आपको अच्छा लगे बर्तन वगैरह किसी में भी इसको आप सेट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा तो हमने इसमें डिब्बे में डाल दिया, उसके बाद ये कुछ इस तरह के ग्लास रखे थे
तो इनमें भी डाल दिए। जिनके ढक्कन थे उसको हमें ढक्कन से कवर करना है और जिनके ढक्कन नहीं है उसको एल्यूमिनियम फॉइल पेपर से हमें कवर करना है। तो देखिए इस तरह से कवर करेंगे और इसको भी 5 से 6 घंटे के लिए या फिर पूरी रात के लिए फ्रीज में रख देंगे। तो ये देखिए हमारी एकदम बढ़िया सी परफेक्ट स्मूथ आइसक्रीम बनके तैयार हो गई है। फ्रेंड्स अगर आपको ये सारे वीडियोस अच्छे लगे, सारी रेसिपीज अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और डिब्बे वाली आइसक्रीम को कुछ हम इस तरह से कट कर लेंगे और ये बहुत ही बढ़िया सी आइसक्रीम बनके तैयार हो गई है। कौन सी आइसक्रीम आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूले। अगर आपका कोई डिमांडिंग वीडियो है तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं, मैं उस पर भी रेसिपी अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय इट।